स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। कैन, कैन यानी कुछ कर सकना। आई कैन नाउ टेल यू एवरीथिंग। अब मैं आपको सब कह सकता हूँ। वी कैन नाउ मेक प्लान्स फॉर टुमारो। अब हम कल के लिए आयोजन बना सकते हैं या बना सकेंगे। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस सम। तुम मुझे यह सवाल समझा सकते हो, सकोगे। वी कांट कैन नॉट लीव बिफोर फ्राइडे। हम शुक्रवार से पहले यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। वी कांट सेल आर कार फॉर रुपीज 10,000। 10,000 रुपए में हम हमारी मोटर बेच नहीं सकते। यू कांट रीच देयर बिफोर 4 o'clock। 4 बजे से पहले तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते। छुट्टी लेने के लिए अंग्रेजी में मे का उपयोग ज्यादा अच्छा है, लेकिन कैन भी बहुत बार उपयोग होता है। कैन मे आई गो आउट टू प्ले। मैं खेलने बाहर जा सकता हूँ। कैन I have a look at your book। तुम्हारी किताब थोड़ी देर देखने के लिए ले सकता हूँ। Can they play here? वे यहाँ खेल सकते हैं। Can क्रियापद का भविष्यकाल का रूप नहीं है, इसलिए भविष्यकाल में टू बी एबल या शैल बी एबल या विल बी एबल रूप का उपयोग होता है। टू बी एबल, एबल यानी सक्षम। टू बी एबल यानी सक्षम होना। यह तीनों काल में उपयोग होता है, जैसे कि आई एम able to type with a speed of 40 words a minute। मैं एक मिनट 40 शब्दों की गति से टाइप कर सकता हूँ। I was able to telephone him yesterday। मैं उसे कल बीता हुआ फोन कर सका। वी शैल बी एबल टू सी हिम टुमारो। हम कल उनको मिल सकेंगे। वर यू एबल टू पोस्ट लेटर यस्टरडे। तुम कल वह कागज डाकघर में डाल सके। Will you be able to finish your homework before 10? 10 बजे तक तुम तुम्हारा घर कार्य पूरा कर सकोगे? Shall we be able to play cricket tomorrow? कल हम क्रिकेट खेल सकेंगे? ऊपर दिए गए वाक्यों में भूतकाल के वाक्यों के अलावा दूसरे सभी वाक्यों में टू बी एबल के बदले कैन उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आई कैन टाइप विद अ स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स अ मिनट। कैन यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर 10? कैन
We play cricket tomorrow. इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।